कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में चावल घोटाले का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, उससे ये भी प्रतीत हो रहा है कि गरीबों के इस मुद्दे को लेकर वाकई कांग्रेस के कुछ नेता संजीदा है। वहीं बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि चावल घोटाले के लिए अगर कोई दोषी है वो कमलनाथ सरकार। और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर उनके समय पर चावल खरीदे गए जो घटिया थे तो अभी क्यों फायदा गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, कुछ बच्चे चर्चा में भाग लेंगे। बात अगर करें तो कांग्रेस की, कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। और बीजेपी से अनिल चौधरी जी रहेंगे, वरिष्ठ नेता हैं वो भी बीजेपी के, और हम बताएंगे बीजेपी किस तरह से इस मामले से अलग है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है कि गरीबों को जानवरों का अन्न जो है वो बांट दिया गया, इसके पीछे क्या आपको साजिश है या फिर कांग्रेस ने ही इसको निकाला है, कुछ खास ने क्या किया है? नहीं, ये 3 साल पहले का पुराना मामला है, 2017 का। सवाल ये है कि इस बात की जांच होनी चाहिए जब ये इन कंपनियों से ख़रीदा गया था, जब इसकी क्वालिटी क्या थी इस चावल की। अभी क्या कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदारी बांट कौन रहा है? बीजेपी बांट रही है। मजेदार चीज़ ये कि सारे ज़िलों में बट रहा है, सारे ज़िलों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कलेक्टर है, फूड ऑफिसर है, मंडी, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। इनकी जो सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि क्या कहते हैं कि आपके यहाँ गड़बड़ हुई है। अब इनका कहना है EW इंक्वायरी करेंगे। EW इंक्वायरी इसमें सब बड़े लोग शामिल हैं, इसमें IAC शामिल हैं, ऊपर मंत्री सब शामिल हैं, लेकिन छोटे लोगों को, दो चार छोटे लोगों को EW वाले जेल भेज के और इतिश्री कर लेंगे। तो अब चूंकि इस पर जांच शुरू हो गई, तो क्या EW की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं, कांग्रेस संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, EW से क्या होना है, सब वही रहते हैं, आपके जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो लोकल रहते हैं वही रहते हैं। तो उसमें क्या है कि वो तो सब इन्फ्लुएंस करेंगे, नीचे वाले फंसेंगे, इसमें जो फंसेंगे कुछ नीचे वालों को फंसा दिया जाएगा, वो कह देंगे हमने वो कर दिया। अभी भी क्या किसी बड़े के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, सब छोटे छोटे लोगों को उठा के सस्पेंड कर दिया है। मिलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR करी है EOW ने, तो बड़ी जो राइस मिल चलाते हैं उन लोगों पर भी, जो मालिकों पर भी कार्रवाई हो रही है। हाँ, अब वो लोग क्या बयान देते हैं, किन लोगों को नोबलाइज किया, क्या वो सब चीज़ें सामने आएंगी। अब उनके खिलाफ किया है तो ये है। तो फिर अब जब जांच चल रही है तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि नहीं अब CBI से जाँच कराइए? CBI की जाँच से निष्पक्ष होती है थोड़ा, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि CBI इंक्वायरी हो, क्योंकि क्या हो तो ये जो IPS होते हैं सब स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो ठीक बात, क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो परिस्थितियाँ हैं वो आप देख रहे हैं, गरीबों की बात तो आपकी पार्टी बहुत करती है, और उन गरीबों के लिए केंद्र ने अगर कोई योजना बनाई, केंद्र ने अगर कोई पैसा दिया, केंद्र ने अगर संसाधन दिए, तो मतलब आप जानवरों का अनाज बांटने लगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, केंद्र ने उसमें जो सहायता प्रदेशों को दी वो ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका संज्ञान प्रदेश के मुखिया को और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी को जैसे ही मालूम हुआ, तो तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने जांच बैठा दी है, और जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, कितने बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसमें कितने रसूखदार हो उस पर कार्रवाई होगी। आप अस्वस्थ रहें, और आज मोदी जी का भी बयान है, आज आपूर्ति मंत्री जी का, कि आप बिल्कुल इन पे जितने भी जो लोग भी हैं खुले में जिन्होंने अनाज को कट कर रखा, जिससे वो अंकुरित हुए, उसके कारण जो भी ये सड़ा गला जो वहाँ तक पहुँचा, जो छोटा चाहे अधिकारी हो जो बड़ा हो, कि नहीं, अनिल जी के एक बड़ा रैकेट इस सब के पीछे काम करता है, किसानों से जो गेहूँ मान लीजिए 1800, 1900, 2000 के रेट पर खरीदा जाता है प्रति क्विंटल पर, उसको जानबूझ के ऐसे गोदामों में रखा जाता है जहाँ वो सड़ जाए, यानी पानी में या फिर खुले में रख के फिर सड़ाया जाता है। फिर उस सड़े हुए को जो आपने खरीदा था 1800-1900 में, उसको बेचते हैं आप कितने में? 3600 रुपये। तो ये आपको नहीं लगता कि एक बड़ा घोटाला है जिस पर आपको बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था? वो इसलिए बेचते हैं कि ये सड़ा हुआ जो अनाज रहता है वो बियर फैक्ट्री और ये शराब की फैक्ट्री में जाता है,
ये जो जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, ये क्या आपकी सरकार को पहले से पता नहीं था? नहीं, बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि जो जो सिस्टम में जो पूरी गड़बड़ी है उस पर वाकई में संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह के जो भी अधिकारी हैं जो इस तरह की जो करते हैं वो गलत तरीका है कि एक सस्ता लेके मार को सड़ा के, और ये वाकई सिस्टम की एक बहुत बड़ी चूक है यहाँ पे, और इसको दुरुस्त करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, के सवा साल आपकी भी सरकार रही, आपकी सरकार ने भी एक खरीदी की, चाहे वो रबी की हो या खरीफ की हो, जो अलग अलग खरीदी है तो जो पैसे एक का पैसा आपने अलग अलग दे भी दिया। अब सवाल ये उठता है कि आपने किसानों से खरीदा और आपको भी वो पता चल गया था कि कैसे ये गेम चल रहा है कि अच्छा गेहूँ जो है वो बाहर भिजवा दो और उसकी जगह, या अच्छा चावल बाहर भिजवा दो उसकी जगह नकली या घटिया चावल रख लो, तो ये तो आपके भी संज्ञान में आया होगा, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं था, कार्रवाई नहीं की थी। बीच में कहते कि दिग्विजय सिंह ने मांग करी थी किसानों से सीधा खरीदा जाए, ऐसी व्यवस्था कराई भी गई थी कि इनके थ्रू नहीं दला इनके, तो समझ में आ गया जी। फिर जब आपने उसको संग्रहण के लिए रखा अलग अलग गोदामों में, वहाँ से ये हेरा फेरी शुरू हुई है ना जी, कि नागरिक आपूर्ति निगम में बैठे हुए कई अफसर जो हैं जी, वो ये गेम कर रहे हैं कि वो गोदाम मालिकों से मिलकर, जैसे भोपाल में ही एक करतार वेयर हाउस का जी, हमने भी उसकी खबर को दिखाया था कुछ जी, और वो इस समय ब्लैक लिस्टेड है जी, पर आपकी सरकार ने उसको इस बार फिर ठेका दिया जी। तो मतलब आपके भी मंत्री, आपके समय के अधिकारी मिले होंगे, अधिकारी मिले होंगे, और ये कोई भी सरकार हो गड़बड़ अधिकारी करते हैं, काफ़ी चीज़ों की जानकारी मंत्री को नहीं होती है, मंत्री को बाद तक बाद में पहुँचती है जानकारी, पर कोई भी सरकार हो अधिकारी वही होते हैं, उन्हीं से काम लेना होता है। कांग्रेस को भी मतलब आंखें पूछे बैठी थी, कमलनाथ जी को दिखाई नहीं देता, नहीं जैसे ही पता चला था दिग्विजय सिंह जी ने कहा था डायरेक्ट से सीधी खरीदारी शुरू करो खेतों से, का मामला ही नहीं जी, आप थोड़ा सा उसको दुरुस्त करिए जी, क्योंकि ये खरीदी के बाद का मामला है कि जब आपने उसको खरीद के रख लिया जी, तो जो खरीदा गया वही बटे जी, हाँ सुनिश्चित करना आपका काम है ना गरीब जनता को। हाँ सही, हाँ जी। अब आपने खरीदा था 1900 रुपए वाला और बांट रहे हो उसको 3600 रुपए वाला जी, तो ये जो घोटाला हुआ है उसमें तो नागरिक आपूर्ति निगम और जो मशीनरी है, चाहे वो कलेक्टर हो, जिलों के जो खाद्य अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार है ना उसके लिए, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? हाँ नहीं, उस टाइम ये चीज सामने नहीं आ पाई थी, इस कारण नहीं आ पाई थी, या उसमें आपके लोग मिल गए थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं जी। बताइए साहब अनिल जी, क्या वाकई ऐसा था जैसा ये कह रहे हैं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगी, अभी तो ये सामने नहीं आई। आज देखिए जो पारदर्शिता के साथ जो जांच हो रही है, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार रही हो, उन्होंने जहाँ देखा कि कोई गड़बड़ी है तो उसके तुरंत जांच के आदेश दिए। अब इसमें जितने भी रसूखदार, मैंने जैसे पहले कहा, पुनः कह रहा हूँ मैं, कि जो भी होगा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, यहाँ आप राकेश जी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने इसकी जाँच नहीं की है, चावल घोटाले की जाँच जो की है केंद्र की मोदी सरकार, उनको ये शिकायत भेजी गई कुछ भाजपा के नेताओं द्वारा कि जो गरीबों को चावल बांटा जा रहा है वो न्यायत ही घटिया स्तर का है जी। तब केंद्र ने अपनी टीम भेजी, सैंपल लिए, और सैंपल लेने के बाद पता चला वाकई में जानवरों का खाद्यान्न जो है गरीबों को बांटा जा रहा है, उस पर कैफियत पूछी गई शिवराज सरकार। यानी पूरी कार्रवाई कहाँ से शुरू हुई है? मोदी सरकार से शुरू हुई है और शिवराज सरकार पर ख़त्म हो गई। कांग्रेस इसमें कहाँ है? नहीं, हम लोग टाइम बटा ही नहीं था, हमको जानकारी भी नहीं था ये कैसा है, क्यों 3 साल पहले खरीदारी हुई, इसकी रिसाइकिलिंग करके फिर बांटा जा रहा था इनके द्वारा। देखिए, बांटा जा रहा था तो आपकी पार्टी के भी नेता बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, या मैं कहूँ झाबुआ, खरगोन, खंडवा, यहाँ होंगे ना नेता आपके? नहीं है, लेकिन संगठन खत्म हो गया। हाँ, लेकिन चक्कर ये ना, अगर हम आरोप लगाते हैं कहते हैं कांग्रेस से बदले खाना से आरोप लगा रही है। नहीं देखिए, आप तो जनता की पार्टी है ना, जनता से जुड़े हुए लोग हैं आप, तो अगर आप इसका मतलब ये है कि जब ये सब हो रहा था तो आपके यहाँ भी हल में चल रहा था कि अच्छा ठीक है, खाद्य अधिकारी ने सेट कर लिया कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को, तो बाकी मामला था। देखिए, ऐसा नहीं था, जब ग्वालियर में जो है अब वो उधर जरूर चले गए बीजेपी में, कांग्रेस में थे जब प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आरोप लगाया था कि जो बट रहा है गलत, कम भी बट रहा है, इसकी जांच होना चाहिए बाद। और आपके वो जो गोयल हैं ग्वालियर में एमएलए, उनने भी आरोप लगाए थे
उसकी जांच भी हुई थी कि जो ये तो इनके टाइम की बात है कि जो बांटा जा रहा था गरीबों को 3 महीने अनाज तो कम बांटा जा रहा था। तो बताइए साहब चौधरी जी, अब ये कहना है कि जब वो कांग्रेस में थे प्रधान जी लोधी उस समय उन्होंने शिकायत की थी और अभी इससे पहले कहा था कि हमारी सरकार में बांटा ही नहीं था, तो लोधी जी कब कांग्रेस में थे ये भी बताइए ना, और जब बट नहीं रहा था तो कहाँ से वो शिकायत करेंगे, तो थोड़ा सा स्टडी करके। नहीं 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 सुनिए आप, अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप ही के शब्द कह रहे हैं। हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले वो कांग्रेस में थे जब आपके टाइम में, तो शिकायत कांग्रेस के समय कहाँ की उन्होंने, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के समय शिकायत, कांग्रेस के समय भी उन्हें जानकारी मिला थी कि उसका थोड़ा देखना चाहिए, वो मंत्री थे उसके बाद भी हमारे लोगों पे इतनी वो है कि, और अभी क्या कहते हैं कि जो वहाँ पे गोयल जो अपने दूसरे एमएलए थे हाँ जी, फिर उनने कहा थे कि कहा कि ये कम बट रहा है, जो उसका तौला भी गया, फिर कमिश्नर ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए, तो इनके टाइम में ऐसे घोटाले होना भाई मामूली चीज, कोई बड़ी बात नहीं, इनको चिंता भी नहीं रहती। मैं इनके मान लेता हूँ, इनके यहाँ घोटाला हुआ इन्हीं की सरकार ने पकड़ा जी, तो इनके यहाँ तो चेक एंड बैलेंस है, इनकी सरकार ने भी पकड़ा है, जब ऊपर से गवर्नमेंट सेंटर की टीम आई, तो इसका मैं यही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब सरकार भी तो हमारी है ना, सरकार सजग थी, उसने यहाँ कुछ नहीं चलने दिया घोटाला, यही था ना मामला। हाँ तो शिकायत भी इनके यहाँ जो ग्रुप पॉलिटिक्स है, दूसरे ग्रुप के लोग थे उन्हें शिकायत की, क्या नहीं हुआ क्या ये सब, नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि कोई ग्रुप इस स्तर पर चले, सब मिलके खा रहे थे कि नहीं इस स्तर पर जाए। देखिए ग्रुप पॉलिटिकल की तो आप बात मत करें, क्योंकि ग्रुप की राजनीति का साफ साफ अभी परिणाम है कि आपकी सरकार जो है सड़क पे आ गई, तो हमारी हमारी यदि तो कोई ग्रुप का नहीं है, राजनीति पे मत जाइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ राजनीति की बात गरीबों की हो रही है जी, और आपकी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि आप उन्हीं के बीच के नेता हैं, उन्हीं की मदद करते हैं, तो जब आप उनके बीच देख रहे हैं कि उनको खराब खाद्यान्न मिल रहा है, तो आपको शिकायत करनी चाहिए थी, आपकी वजह वो शिकायत हो रही है पता चला बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की सरकार जांच करा रही है केंद्र की, और बीजेपी की सरकार वहाँ से कार्रवाई करा रही है, यहाँ तो अभी तक आपने आंकड़े ही इकट्ठे नहीं किए, आपने विपक्ष में आप क्या काम है आपका, सही ध्यान देना था, सही जरूरी था, बहुत अच्छी बात है। या मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि चूंकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और पूरा आपका एक संगठन ब्लॉक स्तर गांव गांव में फैला हुआ है, अभी जो चीज निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि आपके नेता अभी भी फील्ड में नहीं जा रहे, जैसे अब मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, भोपाल में जो खाद्य अधिकारी है वो बीजेपी के समय पर भी कांग्रेस के समय पे भी अभी फिर वही, आपको पता है कि यहाँ भी एक राशन घोटाला हुआ है, पता है कि नहीं, नहीं नहीं पता, नहीं पता है, तो इसका मतलब यहाँ की आपकी इकाई भी बिल्कुल या तो बेहोश है या फिर नहीं, नहीं करते रहते हैं, पीसी शर्मा जी करते रहते हैं, पीसी शर्मा जी अकेले क्या करेंगे वो, और बाकी के नहीं जिला अध्यक्ष वगैरह कोई उनका ध्यान नहीं रहता, पार्टी में कोई भी सामने आके जो है जो बात कर देते हैं, उसमें क्या, तो आपको पता है यहाँ भी एक घोटाला हुआ है जी, लोगों के राशन कार्ड पर फर्जी तौर पर एंट्रियाँ कर दी गई, कई जगह से राशन उठा लिया गया, उनके खातों से पहुँचे ही नहीं गरीबों के, फर्जी अंगूठे लगा लगू के और राशन निकल गया, ये भी लॉकडाउन के टाइम में हुआ है, ये आपके समय की बात है, शिकायत किसने की है अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी शिकायत की है इन्हीं के भाजपा नेता चेतन सिंह, अच्छा, उसने जब शिकायत की अगले व्यक्ति ने तो उसकी शिकायत पे जांच तक नहीं कराई आपकी जो तत्कालीन गवर्नमेंट की उसने भी जी, और जो तत्कालीन कलेक्टर थे उन्होंने भी, तो क्या मान लेंगे सब भ्रष्टाचारी हैं सब मिले हुए, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है, नहीं है तो आप पता करके ये जानकारी हाँ दिलवाएंगे संगठन को के साथ, हाँ बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, बताइए अनिल जी क्या लगता है आपको, कांग्रेस हो बीजेपी हो जनता की बात जो है वो अब आई नहीं रही निकल के, जो चार अफसर और चार आपके ऊपर बैठे नेता मिलकर घोटाले कर रहे हैं। देखिए यार दल से ऊपर उठ के मैं बात करना चाहूँगा तिवारी जी के, ये वाकई एक गंभीर मामला है, इस तरह के कई चूके और कई जो इस तरह के घोटाले होते हैं इसमें कई पार्टी का सीधा वो नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है अधिकारी जो है वो मन मर्जी से जो इतने बड़े बड़े कांड कर देते हैं, इसमें चाहे मेरी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, होती कुल मिला के सरकारी बदनाम होती है, तो ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसना बहुत जरूरी है आज का समय की मांग है।
हाँ वो सही। आप ही के यहाँ जैसे अभी आपके पुराने नागरिक आपूर्ति के रूप में अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने ये बात उठाई डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये जो सोनी सस्पेंड हुआ है अभी, ये पहले भी हो चुका और भोपाल में खुद मुख्यमंत्री जी 2008 से लेकर 10 तक की बात करें तो उन्होंने 2-3 बार ऐसे अचानक दौरे किए हुए हैं और उन्होंने पाया कि गेहूं पे अगर 100 किलो का बोरा है वो, तो पता चला उसमें 20 किलो मिट्टी भरी हुई, ये उन्होंने खुद पाया। इसके बाद भी वो कार्यक्रम चलता रहा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, जो आपका कहना बिल्कुल सही कि इस तरह के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उन पे नकेल कसना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए 20 किलो अगर एक बोरे में अपन करते हैं तो 100 बोरे हो जाते हैं, तो आप लग रहे कैलकुलेशन कितना जाता है। तो ये जेब में किसके जा रही है? सीधे सीधे अधिकारी की। अब इसमें कोई नेता या कोई नहीं, क्यों जब वो विभाग का खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री कोई है आपका या आपूर्ति निगम के जो अध्यक्ष हैं, ये सब सभी लोग हैं उसमें। अब जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा वो तो शिकायत करेगा, पर मुख्यमंत्री जी ने जब खुद पकड़ा तब तो ये व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए थी कि फिर ये घोटाला नहीं होता, पर वो तो तब भी चला आ रहा है, तो इसके लिए कौन दोषी? इसके लिए दोषी देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ना कि उसके उच्च अधिकारी दोषी हैं, और ऐसे जो कई घोटालों में जो कई बार सस्पेंड हो चुके हैं ऐसे जिम्मेदारी के पद शायद उनको नहीं देना चाहिए। तो यही मेरी मांग है शासन में और मंत्री को भी सजग रह के समय समय पर अपना वहाँ पर गौरव करते रह के जांचें देखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपकी राकेश जी, क्योंकि आप उस परिवार से जुड़े हुए हैं जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महती भूमिका निभाई, आपको नहीं लगता कि ये जो सिस्टम है उसको ठीक करने के नाम पर राजनीतिक दल सिर्फ बयानों की जुगाली कर रहे हैं? करना धरना किसी को नहीं है, ना कांग्रेस को ना बीजेपी। हाँ नहीं, बिल्कुल सच है आपका कहना। क्या होता है कि इन लोगों को ये लगता है चाहे किसी पार्टी के हों कि अगर हम शक्ति करेंगे तो हमारे जो थोड़े बहुत काम करते हैं अधिकारी वो बंद कर देंगे, तो इस कारण चाहे कोई पार्टी वाले हों सब ढील करते हैं, मतलब कोई कुछ नहीं होता खास। नहीं पर ये इसका मतलब हल क्या है, क्या मतलब आप हल सोचते हैं? नहीं इसमें ये सब सुपरविजन तेज होना चाहिए और शक्ति होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि कहते ये है कि जब तक घुड़सवार अच्छा नहीं हो तो घोड़े की सवारी नहीं हो सकती, उसके लिए मंत्री भी ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जिनको अनुभव एडमिनिस्ट्रेशन। पहले होता था, पहले समय में होता था, शुरू में डिप्टी मिनिस्टर बनाते थे, फिर स्टेट बनाते थे, फिर कैबिनेट, वो भी ML उसको बनाते थे जो कम से कम 2-3 बार जीता हो इलेक्शन। अब तो आपके यहाँ तो जो पहली बार बना दिया सबको सभी को कैबिनेट, हाँ वही तो नहीं है, मैं आपने परंपरा डाली नहीं, उसमें कमी रहती है फिर शासन में, सीधी बात है स्पष्ट। तो ये संगठन में ये बातें अब पहुँचती नहीं है या इन पर चर्चा नहीं होती कि साहब हम जनता की पार्टी हैं तो हम जनता से जुड़ी हुई बातें करें, बजाय इसके कि लफाजी चल रही है यूथ, ये मतलब क्या फालतू का कार्यक्रम चल रहा है, और वो जो मूल बात है जनता की वो आप कर रही है। आप ये मानिए कि 1980 के बाद दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसमें संगठन नीचे आ गया, शासन ऊपर चला गया। ये अरे जी ये जो समस्या सामने निकल कर आ रही है कि जनता तो बेचारी थकी हुई महसूस कर रही है, संगठन निसहाय होते जा रहे हैं, पदाधिकारी नेता सब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं वर्तमान परिवेश में, क्योंकि हो ये रहा है कि जैसा कि अभी कह रहे थे राकेश जी कि एक मंत्री और अधिकारी में इसलिए जुगलबंदी हो जाती है कि दोनों अपना अपना हित देखते हैं, एक IAS आज की डेट में रिटायर होता है तो 100-200 करोड़ का मालिक हो जाता है, तो ये एक जो नई परंपरा चल पड़ी है इसकी खोजबीन आप लोग नहीं करना चाहते? नहीं बिल्कुल, यही उसी की उसमें ये जो जांच हुई है ये इसी सब चीज़ को रोकने के लिए हुई है कि उसी श्रृंखला में ये है कि भाई इस तरह के जो अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर बिल्कुल लगाम लगना चाहिए, और शायद इस जाँच से कुछ एक नया निकल के आएगा, क्योंकि EOW ने ये जो जाँच की है पहले प्रथम दृष्टया ही थोड़ी सी संदिग्ध लगती है। अब आप बताइए कि अगर झाबुआ में भी ऐसा काम हो रहा है तो आपने क्यों नहीं उनको संज्ञान में लिया है, और बाकी के जो मिलर्स हैं उनको भी करें, आज उन्होंने धमकी दे दी कि वो हड़ताल पे चले गए हैं सबके साथ, ठीक है ये तो फेल्यूअर दिखता है ना शासन प्रशासन का। नहीं फेल्यूअर नहीं कहेंगे इसको, देखिए ये एक जो एक अगर वो चोर जो ब्लैक मनी, हां मैं कह रहा हूं कि आपने पहले कहा कि हम
उन बसों को नहीं चलने देंगे जो टैक्स जमा नहीं करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने हड़ताल कर दी। अंततः आप ही की सरकार को हार माननी पड़ी और आपने अब आदेश कर दिए कि चलो पांच मांग पूरा माफ करो। इसके बाद भी वो नहीं आए हैं मैदान में। नहीं तो, ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक नेक्सस, एक माफिया काम कर रहा है, उस माफिया को आप ही पुष्पित प्रलभित कर रहे हैं? नहीं, हम उनको प्रलभित कर रहे हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्या है कि देखिए, एक मांग रखते हैं, दूसरी मांग आ जाती है। अब ये ठीक है कि उनकी मांगे उस पर यहाँ सरकार और जो भी कंपनी है, ये तो पहले दिन से पता था कि जब बेचारों की बसें नहीं चली हैं पांच महीने, तो ये कौन आ रहा था इस बात पे? आपने उस अधिकारी पर क्यों कार्रवाई नहीं करी? जनता तो परेशान हो गई ना दो तीन महीने। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। और यहाँ पे जो पहले इनकी मांग थी कि इसको टैक्स माफ किया जाए, तो उसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसको टैक्स माफ किया है। लेकिन कल जो बसें चलना थी, सही से संचालित होना थी, वो ठीक से हुई नहीं। चाहे वो भोपाल ले लो, इंदौर ले लो, जबलपुर, कहीं भी ले लो, अपन महाकौशल में कई ऐसे शहर है जो नहीं हो पाए। और उसमें एक उन्होंने नया अड़ंग लगा दिया था, पाँच महीने की हमें सैलरी देनी चाहिए। तो अब इस पर देखिए, अगर उच्च स्तरीय उस पर चर्चा होगी और जो भी अगर अधिकारी आपके हैं, मंत्री आपका है, तो बैठ के ये तय नहीं करते कि भाई अगर ये नहीं करे तो हमारे पास दूसरा प्लान भी क्या है? वो कुछ नहीं है, वैसे बैठे वहाँ एसी कमरे में मक्कारी कर रहे हैं क्या कई अधिकारी? नहीं, अपन मक्कारी नहीं कहेंगे, लेकिन तो ये संजीदगी से बात हो रही है। नहीं देखिए, पहले पांच महीने एक बिंदु पहले एक बिंदु पे उन्होंने बात की थी कि हमारा टैक्स माफ किया जाए, यहाँ पे कोई सैलरी या उनके भुगतान की कोई बात नहीं थी। लेकिन कल जो चलना था, इसको सुचारू रूप से संचालन हुआ था, उसको न करते हुए उन्होंने रोक दी कई रूटों की बसों को। तो कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसी स्थिति थी तो आपको पहले देखना चाहिए जो बसें नहीं चला रहे उनके परमिट निरस्त करके नए लोगों को दे दिए जाए। बिल्कुल ऐसे ही, वो नहीं है, नहीं चलाना चाह रहे हैं ना, तो आप खत्म करिए, यहाँ पे बीच में नई बसें लगा दीजिए। बिल्कुल, आपको कहना चाहिए कि बीच का रास्ता कहीं से निकलेगा, या तो नई बसें निकलेगा। अभी जनता तो परेशान हो ही रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यही चावल घोटाले पे हुआ है कि एक जगह तो आपके संज्ञान में आ गया, पर बाकी जगह जो चल रहा है उसे कौन देखेगा? नहीं देखिए, क्योंकि ईओडब्ल्यू जांच कर रही, तो वो जितने भी यहाँ यहाँ भी ये घोटाला हुआ उनके सब में उसको संज्ञान में लेके जो कार्रवाई हुई करेंगे। और रही बात ये आपकी बसों की, तो इस पर भी जल्दी से कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके यहाँ संगठन स्तर पर ये समझाइश नहीं दी गई कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर कांग्रेसी मैदान में जाएं और देखें कि सर ये अव्यवस्था है, तो वहाँ से अपनी रिपोर्ट तैयार करके और संगठन को दें? ये तो हो ही नहीं रहा आपके यहाँ। नहीं, हम अभी जब निकला है दो दिन पहले मामला, इसमें कर रहे हैं, ये दो दिन का सप्ताह भर हो गया है इसको। हाँ, दो तीन दिन मानिए, पूरे जिलों में अभी तीन दिन पहले सामने आए। चलिए, आपके संज्ञान में अभी आया। और दूसरा जहाँ तक इसके पहले ये घटनाक्रम तो पहले ही आ गया ना, सात दिन हो चुके हैं आप उसको, तो आपको तो कम से कम जिला स्तर से फीडबैक ले लेना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं पर, भरोसा नहीं हो गया? नहीं नहीं, केंद्रीय सरकार बिल्कुल गंभीर है, तभी तो उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। और वो आज के राकेश जी, अब बात ये भी निकल कर आती है कि नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी हैं, प्रदेश संगठन के अध्यक्ष भी कमलनाथ जी हैं, वो क्यों नहीं आते मैदान पर और क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं गए आप फील्ड पे अभी तक? मंडला की बात करें, बालाघाट की बात करें, आपका एक बड़ा नेता नहीं गया अभी तक? नहीं, वहाँ पे है अपने लोकल लेवल पे है जो लोग कर रहे हैं अपना। अरे तो इनको कौन सा काम है, आप तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये यहीं पे मीटिंग्स वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। मीटिंग हर जगह, मीटिंग आप बताओ, आज भी एक किसान ने आत्महत्या की है विदिशा में, आपका एक नेता नहीं पहुंच रहा, क्या चक्कर क्या है ये? मतलब सेटिंग चल रही दूरा कुश्ती बीजेपी? नहीं नहीं, लोकल वहाँ लोकल एमएलए वो जाएंगे, तो ये कोई नहीं जाएगा, आधा घंटे का तो रास्ता है, जा सकते थे वैसे चाहते तो। हाँ है, लेकिन लोकल एमएलए चले जाएंगे वहीं के वहीं। ये आपको बड़ा इशू नहीं लगता किसानों वाला भी? किसान तो सीहोर भी कर लिए एक तो, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष सीहोर में गए, ना विदिशा में गए, अब टीकमगढ़ की तो दमोह की तो मैं बात कर ही नहीं रहा। अब पिछले पांच दिनों में चार किसानों ने आत्महत्याएं कर दी,
गरीबों को चावल नहीं मिल रहा, आप ये जमीन से जुड़े मुद्दे ही नहीं उठा पा रहे, तो इसका मतलब बीजेपी सही कह रही है कि आपकी पार्टी तो आराम तलबों वाले जो लोग हैं उनकी पार्टी बन गई। सीहोर में जब वहाँ उनके रमेश सक्सेना उन कांग्रेस नहीं आज कल, अरे वो भी सेम डे कहाँ पहुँचे जब घटना की पता चल गया, एक दिन दो दिन तीन दिन, अभी मैं तो कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं ना वो, हाँ हाँ, तो वो क्यों नहीं जाते, मना किया है कि कोरोना के डर से निकलना मत। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उससे सबसे मिलते हो तो ऐसे मिलते हैं, बिना मास्क मिलते हो लोगों से, तो इन किसानों के परिजनों से मिलने में दिक्कत है, दिक्कत का है तो ये बताइए ना आप जनता को कि साहब किसानों के से मिलने कब जाएंगे आप, कब आप उन गरीबों के बीच पहुंचेंगे जिन्होंने जानवरों वाला चावल खा लिया, फिर बाद में वही चिल्लाए तब भी अभी तक नहीं पहुँचे आप, करेगी इशू नहीं है क्या जनता के, नहीं है पार्टी कर रही है इस प्रकार, बताइए यहाँ पर रणनीति ऐसा विपक्ष आपने देखा है कि चूंकि आप ही के यहाँ आपकी पार्टी अपने आप में एक विपक्ष है, तो उसी में सत्ता पक्ष है उसी में विपक्ष है, नहीं देखिए तो कहीं नहीं मिल रहा जनता की बात उठाना, सत्ता में रहना विपक्ष में रहना जनता के लिए, जनता के लिए काम करना पहली प्राथमिकता रखना चाहिए, चाहे सत्ता में रहना चाहे विपक्ष में, अभी उपचुनाव में वही 27 सीटें जीतेंगे, अब उनके कहने से उनने बहुत कुछ कहा था, तो वो कहीं धरातल पे तो कहीं नजर नहीं आता है, उनने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने तो बैंड भी बजवा दिए थे, ढोल भी चढ़वा दिए थे, तो बहुत सारी बातें की उन्होंने, तो वो सारी बातों को तो अपन गंभीरता से लेते हैं, सिंह ग्वालियर भी घूम के आ गए, आज जयवर्धन सिंह गुना गए हैं, शुक्रनगर गए, इसके अलावा जनता की भी बात करोगे आप कि नहीं करोगे, मैंने जितने सवाल पूछे जनता के बारे में पूछे और मैंने आपसे पूछा कि कमलनाथ जी एक भी किसान के जो आत्महत्या के मामले में उसके परिजनों से मिलने गए क्या, आपने कहा नहीं, मैंने आपसे पूछा कि जिन गरीबों को ये जानवरों वाला चावल दिया गया वहाँ मिलने गए क्या कमलनाथ जी, आपने बोला नहीं, तो भाई साहब ये मतलब पार्टी है किसकी, गरीबों के लिए है या बस चुनाव के लिए जीतने के लिए लगे, उसमें हम लोग करें सीबीआई इंक्वायरी करें तो चीजें सामने आएंगी, बस इससे हो गया काम, उधर किसान भी निपटता रहे और गरीब भी निपटता रहे, बहुत अच्छी बात है, और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, कांग्रेस की तो खैर ये शुरू से एक फितरत रही है कि वो उसके नेता इस टाइप के भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर जिसको कहें लोड नहीं लेते हैं कि जन समस्याओं को लेकर वो मैदान में या सड़क पर नजर आएँ, तो ख़ासतौर पर अब भी खूब देखने में आ रहा है कि किसानों की आत्महत्या का मामला हो, गरीबों को खराब खाद्यान्न बांटने का मामला हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों बड़े नेता हों वो फील्ड में नजर नहीं आ रहे, इससे जनता को निराशा हो रही है कि ये कैसा जो जनता के बीच नहीं है, जरूरत है खास करके विशेष व्यक्ति के बाद खत्म करेंगे।